दोस्तों दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है और दुनिया भर में 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिया जाता है और 65% डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है और इस वजह से विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की आवश्यकता होती है। दोस्तों यही कारण है कि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंसी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का सम्मान भारतीय करेंसी रुपए को नहीं मिलता है। दरअसल भारतीय रुपया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के कुछ हिस्सों में एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि भारतीय रुपए को लीगल करेंसी के रूप में जिम्बाब्वे में एक्सेप्ट किया जाता है। बता दें कि भारत की करेंसी को इन देशों में करेंसी के रूप में इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि भारत इन देशों में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों जिम्बाब्वे को छोड़कर किसी अन्य देश ने भारत की करेंसी को लीगल टेंडर मतलब कि वैधानिक मुद्रा का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश केवल आपसी समझ के कारण एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों इन देशों में करेंसी का लेन देन मुख्यतः इन देशों की सीमाओं में लगने वाले प्रदेशों और उनके जिलों में ही होता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि भारत की करेंसी को किन किन देशों में और क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। जिम्बाब्वे, दोस्तों वर्तमान में जिम्बाब्वे की अपनी कोई करेंसी नहीं है। बता दें कि साल 2009 में इस देश ने अपनी लोकल करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर को त्याग दिया था क्योंकि इस देश में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण देश की करेंसी की वैल्यू में बहुत कमी आ गई थी। इसके बाद इस देश ने अन्य देशों की करेंसी को अपने देश की करेंसी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों प्रेजेंट में इस देश में अमेरिकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी युआन, भारतीय रुपया, जापानी येन, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और ब्रिटिश पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि इस देश में भारत की करेंसी रुपया को लीगल करेंसी के रूप में साल 2014 से इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल, दोस्तों भारत के एक रुपए की मदद से नेपाल के एक रुपए 60 पैसे खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों भारत के व्यापारी को एक रुपए के बदले ज्यादा नेपाली करेंसी मिलती है, इस वजह से भारत के व्यापारी नेपाल से व्यापार करने को उत्सुक रहते हैं। दोस्तों नेपाल ने दिसंबर 2018 से 100 रुपए से बड़े मूल्य के भारतीय नोटों को बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 100 रुपए के नोट को एक्सेप्ट किया जाता है। भूटान, दोस्तों इस देश की करेंसी का नाम नोंगा त्रोम है और यहाँ पर भी भारत की करेंसी को लेन देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। दोस्तों भूटान के टोटल एक्सपोर्ट का 78% भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों सितंबर 2018 तक भूटान की ओर से भारत को 14,917 मिलियन नोंगा त्रोम का इम्पोर्ट किया गया, जबकि इस देश के द्वारा भारत से लिया गया एक्सपोर्ट 12,489 मिलियन नोंगा त्रोम था। दोस्तों भारत का पड़ोसी होने के कारण इस देश के निवासी भारत की करेंसी में जमकर खरीदारी करते हैं क्योंकि इन दोनों देशों की करेंसी की वैल्यू लगभग बराबर है और इसी वजह से दोनों देशों की करेंसी के बीच एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से होने वाली हानि का कोई डर नहीं होता है। बांग्लादेश, दोस्तों इस देश की करेंसी का नाम टका है और प्रेजेंट में भारत के एक रुपए से बांग्लादेश के 1.70 रुपए खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों साल 2017 और 18 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार 9 अरब डॉलर के पार चला गया था। बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा भारत को किया जाने वाला व्यापार 900 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है और दोस्तों इस तरह ये साफ है कि बांग्लादेश में भारत का रुपया बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मालदीव, दोस्तों एक भारतीय रुपया 0.22 मालदीवियन रुपया के बराबर है। आपको बता दें कि मालदीव के कुछ हिस्सों में भारत की करेंसी रुपया को आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों भारत ने 1981 में मालदीव के साथ सबसे पहली व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों भारत की करेंसी को उसके पड़ोसी देशों में आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है और इसके पीछे का मुख्य कारण इन देशों की एक दूसरे पर व्यापार की निर्भरता है। हालांकि रुपए को लीगल टेंडर का दर्जा सिर्फ जिम्बाब्वे ने ही दिया है। दोस्तों यही कारण है कि भारत सरकार ने नेपाल से भारत में बंद किए गए पुराने 500 और 1000 के नोट नोटबंदी के बाद स्वीकार नहीं किए। अगर भारत की करेंसी को नेपाल ने लीगल टेंडर का दर्जा दिया होता तो भारत सरकार को ये नोट बदलने ही पड़ते। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत की करेंसी यानी रुपए को किन किन देशों में और क्यों स्वीकार किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।